आप तो रेडियो पे आरजे थे, आपकी आवाज़ सुनी इन्होंने, आपकी मदाब हो गई, आप तक इन्होंने रसाई कैसे हासिल की? मेरे इंजीनियर से इन्होंने नंबर लिया, फिर प्रपोज किया, तो मैंने बोला अभी शायद ऐसे बस जैसे लड़कियाँ शोकी शोकी मारती हैं, तो इन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ संजीदा हूँ। जब इन्होंने आपको बताया कि मैं देख नहीं सकता, तब आपके क्या रिएक्शन थे? मेरे रिएक्शन वही थे, क्योंकि मैंने इनसे मोहब्बत की थी, कोई धोखा वगैरह तो किया नहीं था। अरेंज मैरिज की या लव मैरिज की? मैंने लव मैरिज की है। तो मकान का किराया हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा इंसुलिन परचेज करना लेना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी रिजक का जो वादा है वो तो अल्लाह तबरक ने किया ही है, वो अच्छा ना सही तो थोड़ा सा नॉर्मल ही सही। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, मोहब्बत की बहुत सी दास्तानें कहानियाँ आपने सुन रखी होंगी, लेकिन आज एक ऐसी कहानी आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो अपनी तर्ज की एक मुनफरिद दास्तान है। मेरे साथ मौजूद हैं आरजे जैन भाई और उनकी अहलिया। इनकी मोहब्बत कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जैन भाई जो थे वो आरजे थे और रेडियो पर गाने और नाचे सुनाया करते थे लोगों को, और जो हमारी भाभी हैं प्यारी सी, इन्होंने इनकी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने के बाद आवाज़ की इस कदर दीवानी हो गई कि इन्होंने कहा भाई किसी तरीके से मुझे आरजे जैन से मिलना है। तो फिर इन्होंने इनसे रابطہ किया, किस तरह किया इनसे जानते हैं और बाकी ज़िंदगी कैसी गुजरी ये भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैन भाई कैसे हैं? करम अल्लाह पाक सर, आप सुने ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जैन भाई मुझे बताइएगा कि आप तो रेडियो पे आरजे थे, आपकी आवाज़ सुनी इन्होंने, आपकी मदाब हो गई, फ़ैन हो गई, तो आप तक इन्होंने रसाई कैसे हासिल की? वो कहते हैं ना कि तकदीर बनाने वाले तो ने कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो शायद ये मेरे मुकद्दर में अल्लाह तबारक ताला ने लिख दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लिसनर्स थे जो मुझे अप्रिशिएट किया करते थे, रेगुलर बेसिस पे मैसेज करना, कॉल करना, ये तमाम तर सिचुएशन मामला दूचे चल रहे थे, तो ये भी उन्हीं में से कुछ एक ही थी। तो इन्होंने बस एक दिन मुझसे रब्ता किया और कहा कि मैंने आपसे नंबर लेना है आपका। मेरे इंजीनियर से इन्होंने नंबर लिया, फिर प्रपोज किया, तो मैंने बोला अभी शायद ऐसे बस जैसे लड़कियाँ शोकी शोकी मारती हैं, तो इन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ संजीदा हूँ। यानी कि पहले भी काफ़ी प्रपोजल आते थे मेरे भाई को, क्योंकि पहले मैंने अपनी हकीकत किसी को नहीं बताई थी कि मैं किस तरह का हूँ, क्या हूँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल मैंने रेडियोज़ पे काम किया है और काफ़ी सारे मेरे शोज़ हुआ करते थे जिनमें पंजाबी भी हुआ करते थे, एक मुलाकात शोज़ में किया करता था जिनमें मुख्तलिफ इलाके के सेलिब्रिटीज़ मेरे साथ हुआ करते थे, सिंगर हुआ करते थे, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पज़ीराई मिलती थी लिसनर्स की तरफ से। तो जाहिर सी बात है फिर लिसनरशिप में आपको पता है किस तरह से मामला हो ही जाते हैं, तो लेकिन मैं भी यही समझता था कि जैसे आम लड़कियाँ आती हैं ज़िंदगी में, शायद ये भी उन्हीं की तरह हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके साथ ना शादी करना चाहती हूँ, तो तब जाके मैंने रियलाइज़ किया कि शायद ये मेरे साथ थोड़ी सी सिंसियर है। तो फिर मैंने इन्हें अपनी कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्हें दी, और उसके बाद मैंने अपने बारे में सारा कुछ बताया इनको। आप ही मुझे बताइएगा कि जब आपने भाई को प्रपोज़ किया तब तक आपको पता नहीं था कि ये नाबीना है, ये देख नहीं सकते, तो जब इन्होंने आपको बताया कि मैं देख नहीं सकता, तब आपके क्या रिएक्शन थे? मेरे रिएक्शन वही थे, क्योंकि मैंने इनसे मोहब्बत की थी, कोई धोखा वगैरह तो किया नहीं था, तो बस मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह के बनाए बंदे हैं, कौन सा इंसान का है, तो बस यही बात जहन में रख ली। मैंने कहा नहीं मैंने इन्हीं से शादी करनी है, इंसान जो ठीक होता ना उससे तो हर बंदे ही कर लेता है, ऐसे इंसान से कोई मुश्किल से ही करता है। मुझे बताइएगा आपने घर बात की, अरेंज मैरिज की या लव मैरिज की? मैंने लव मैरिज की है। घर वालों के अगेंस्ट जाके? हाँ जी बिल्कुल। घर वालों ने रोका होगा कि आगे ज़िंदगी में जाके मुश्किलें आएंगी, दुश्वारियाँ पेश आएंगी, इसलिए वो मना करते होंगे, जाहिर सी बात है हर बेटी अपने माँ बाप की लाडली होती है, तो आपने उनकी एक नहीं सुनी, आपने कहा बस जी मुझे जैन से शादी करनी है। हाँ जी उन्होंने मुझे बहुत रोका था, मना किया था कि ऐसे नहीं तुम लोगों का गुजारा होगा, शुगर है तुम दोनों को, कैसे तुम अपना भी पेट पालोगी और उसका भी, वो भी बच्चों की तरह है। मैंने कहा नहीं बस जो भी हो मैंने उनसे ही शादी करनी है बस। मुझे यहाँ पर ये बताइएगा आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, तो किस तरह से गुजर बसर हो रहा है ज़िंदगी का? ज़िंदगी का गुज़र बसर तो अब सबके सामने, आपके सामने भी है, मैं फिर अल्लाह का शुक्र है कुछ बाजियाँ वगैरह मदद कर देती हैं तो निज़ाम चल रहा है, और कुछ अल्लाह बैठा है ऊपर करने वाला। जैन भाई मुझे बताइएगा आपका ताल्लुक दीपालपुर से है, वहाँ पर आप रेडियो आरजे थे, और इधर लाहौर में आपको कोई ऐसी जॉब ऑफर नहीं हुई, आपने ट्राई नहीं किया? सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, क्योंकि वो मेरे इलाके के रेडियोज हुआ करते थे, वो काड़े में 2 FM 92 हुआ करता था, आवाज़ FM पाकपतन में हुआ करता था, तो वहाँ मैं पहले एज ए लिसनर हुआ करता था, तो आरजेज के साथ मेरी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई, उसके ब्याह पे मैं उधर चला गया, तो उन्होंने मेरे टैलेंट को प्रमोट करते हुए मुझे जॉब दे दी। तो यहाँ जिस किसी से भी बात करते हैं, मैं इधर 95 पे भी गया हूँ, तो वहाँ पे भी वो कह रहे हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो है ना हम आपको जॉब नहीं दे सकते। आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है? नहीं डॉक्यूमेंट्स मेरे नहीं है। आईडी कार्ड नहीं बना हुआ आप? आईडी कार्ड तो मेरा है ना, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वो अपनी ला के दें, क्या कहते हैं CV ला के दें,
ठीक है, सीवी पे जो आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये तमाम तरह चीज़ें जो हमें चाहिए, मगर नहीं इसके बगैर हम आपको जॉब नहीं देंगे। आप दोनों शुगर पेशेंट हैं, अभी इंटरव्यू से पहले आपने मुझे बताया किस तरह से ये सारे मामला मैनेज हो रहे हैं, कि हैरान कन बात है, आप घर में होते हैं, आप कुछ कर भी नहीं रहे, तो कैसे सारा गुजारा होता आपका? बस यही है कि बस अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारे साथ है वो यही है कि शुगर तो है ही हमें, लेकिन हम दोनों को लगती है इंसुलिन, और कुछ एक दो इदारे हैं जो हमें इंसुलिन देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा तकरीबन अभी 2 महीने हो गए हैं वो इदारे भी अभी हमें इंसुलिन हमें नहीं दे रहे, तो मैंने तकरीबन 4-5 दिन हो गए मुसलसल उनको कॉल्स वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास इंसुलिन नहीं आ रही, और जब इंसुलिन नहीं लगाते हैं तो शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। हमें जो मोस्टली प्रॉब्लम्स है वो यही है कि एक तो मकान का किराया हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा इंसुलिन परचेज़ करना लेना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बाकी रिजक का जो वादा है वो तो अल्लाह तबरकतल ने किया ही है, वो अच्छा ना सही तो थोड़ा सा नॉर्मली सही, बस इस तरह से हो रहा है। आपकी फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स है आपके साथ, वो हेल्प वगैरह करते हैं आपकी या नहीं? फैमिली तो हमारी बेसिक बेचारे खुद भी थोड़े से नॉर्मली हैं, मतलब हमारी तरह ही, लेकिन जो हमारा बेसिक इधर दीपालपुर से लाहौर शिफ्ट होने का मकसद है वो यही है, क्योंकि हम दोनों डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो हमें किसी ने मशवरा दिया था कि आप इधर लाहौर आ जाएं, मेरी बेगम कपड़े वगैरह सिलाई करती थी, तो हमारे कुछ जानने वाले ने कहा आप चलो इधर आ जाएं, कपड़े वगैरह सिलाई कर लें, कुछ इदारे आपको इंसुलिन वगैरह दे दिया करेंगे, तो जिसके ब्याह पर आपका गुजर बसर हो जाएगा, तो हम ये सोच के इधर आए थे। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, रमज़ान मुबारक का महीना है, तो इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप जितनी हो सके आप इनकी हेल्प करें, और जितनी हमें अल्लाह ने तौफीक दी हम भी इनकी हेल्प कर चुके हैं, और आपको बताता चलूं कि इनका तशक्कुर का ये लेवल है कि ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है इस हाल में भी। दोनों शुगर पेशेंट हैं, इंसुलिन लगती है, और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो कि अपने घर का सरबरा हो, उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया इस महंगाई के दौर में। ये किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं ये जानते हैं या अल्लाह जानता है। अगर कोई मुखय्यर हजरात मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, तो आपसे मेरी भी गुजारिश है हमारे चैनल की तरफ से भी कि जितनी हो सके इनके हेल्प कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, एक नई वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होऊँगा। अल्लाह हाफिज़।